नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ ओसवाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉम रन पोस्ट। आज के इस वीडियो में आपको यह बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी जो कोई वीडियो है, जैसे कि जो 25 सेकंड की या 30 सेकंड की हो, पर आप उसको क्रॉप करना चाहते हैं और उसको उस वीडियो को क्रॉप करने के बाद आप उसको कुछ मिनट तक ही प्ले करना चाहते हैं, तो आप उस वीडियो में से क्रॉप करके आप अलग से वीडियो बना सकते हैं। जैसे कि मैं एक वीडियो है एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ। ये जो वीडियो है वो टोटल है 24 सेकंड की। अब इसमें से मुझे कुछ पार्ट मुझे अलग करके अलग से वीडियो बनानी है, तो हम देखते हैं इसे कैसे करते हैं। जैसे कि मेरी वीडियो स्टार्ट होती है जीरो, मुझे जो वीडियो है उसे अलग करना है 0.3 सेकंड पे, 3 सेकंड पे मुझे अलग करना है। अलग करने के बाद मुझे इसे स्टॉप करना है 0.10 सेकंड पे, मतलब मेरी वीडियो है जो 3 सेकंड से चालू कर 10 सेकंड्स पे जो स्टॉप करके मुझे इसका अलग से पार्ट बनाना है। तो हमें कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे, फॉर्मेट फैक्ट्री। फॉर्मेट फैक्ट्री के ओपन करने के बाद हम सिलेक्ट करेंगे वीडियो ऑप्शन। वीडियो ऑप्शन को ओपन करने के बाद हम सिलेक्ट करेंगे क्रॉप। क्रॉप के बाद सिलेक्ट करने के बाद हमें दबाना है ओके। ओके में हमें वो वीडियो सिलेक्ट करनी है जिसका हमें अलग से पार्ट बनाना है, तो वो मैंने वीडियो सिलेक्ट करके ओपन किया है। ओपन करने के बाद हमें इसे ये जो रेड लाइन दिखी है वो इसका मतलब है कि आपको उस वीडियो का कुछ एरिया सिलेक्ट करना है। उसके लिए मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि उस एरिया को कैसे सिलेक्ट करते हैं जो वीडियो में होता है। तो हाल फिलहाल हम इसे ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मुझे 3 सेकंड से लेकर 10 सेकंड के बीच में जो वीडियो मुझे अलग से बनानी है वो हम इसमें कर सकते हैं। जैसे कि अब हमें इसमें टाइमिंग सेट करना है कि मुझे 0.3 वीडियो 0.3 टाइमिंग से सेकंड से सेट करके 0.10 सेकंड पे करना है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने 3 सेकंड से शुरू करके 10 सेकंड पे एंड टाइमिंग कर दिया है, तो इससे मेरी वीडियो बनेगी 8 सेकंड्स की। तो इसे ये सेट करने के बाद हमें दबाना है ओके। ओके दबाने के बाद हमें फिर से ओके दबाना है और यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करके स्टार्ट ऑप्शन दबाना है। स्टार्ट ऑप्शन दबाने के बाद आप देख सकते हैं ये वीडियो कन्वर्जन कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट होने के बाद मैं आपको बता देता हूँ जो मेरी वीडियो जो 24-25 सेकंड की थी वो अब कन्वर्ट हो चुकी है 8 सेकंड्स में। ये देख सकते हैं आपको जो वीडियो हमने जो वीडियो बनाई वो अभी कन्वर्ट हो चुकी है 7-8 सेकंड्स में। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो में कोई प्रॉब्लम लगी हो या आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।